तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग एकदम ठीक होंगे। दोस्तों आज हम वॉच टाउन के जैसा शहर बनाएंगे। हाँ, माइनक्राफ्ट के अंदर वॉच टाउन के जैसा शहर बनाएंगे, इसकी जैसी बिल्डिंग्स भी बनाएंगे और सड़कें वगैरह सब चीज बनाने वाले हैं दोस्तों। और आपको माइनक्राफ्ट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और बनाएंगे एक खूबसूरत सिटी। यार वॉच टाउन से अच्छी होगी या नहीं होगी मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अच्छी सिटी बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन माइनक्राफ्ट में जाना इतना आसान भी नहीं है भाई, क्योंकि वहां पे ढेर सारे ज़ॉम्बी होंगे और जहरीली मकड़ियों की तो तुम बात ही मत करो भाई, वो जिंदा आदमी को निगल जाती है। यानी वहां पे रहना काफी मुश्किल है, लेकिन हम जाएंगे और वॉच टाउन के जैसा शहर बनाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं माइनक्राफ्ट में और अपनी एक नई सिटी बनाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं माइनक्राफ्ट में और आपको ये छुटकू सा दोस्त दिख रहा है ना, ये हमारा दोस्त है। इसके हाथ में तलवार भी है, ये काट डालता है भाई, ज़ॉम्बियों को आने तक नहीं देता है हमारी सिटी के अंदर। वैसे हमारी सिटी अभी तक अधूरी है दोस्तों, बिल्डिंग्स भी अधूरी है और सड़कें वगैरह सब चीज़ अधूरी है। वैसे हम आ गए ना अब बनाने के लिए, हम पूरी सिटी तैयार कर लेंगे। मेरे को पता है छुटकू कि नया शहर बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन हम बना लेंगे भाई, हमारे पास में टाइम ही टाइम है। और अभी लग जाते हैं काम पे, अधूरी सिटी को पूरा करने का टाइम आ गया है अभी। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्डिंग्स भी अधूरी है और सड़कें वगैरह सब चीज़ अधूरी है, और यहाँ पे चारों तरफ घास भी तो लगानी है ना। और ये लाइटिंग वाले डिब्बे भाई, ये लट्टू की तरह चमकते हैं रात के अंदर और रोशनी देते हैं हमें। और हमने यहाँ पे ढेर सारे एनिमल भी पाल रखे हैं दोस्तों। ये देखो भाई, यहाँ पे घोड़े मिलेंगे आपको और एक बियर भाई, भालू ही भालू है चारों तरफ, और ये भालू का बच्चा, और ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं भाई, ये मेरे को जानते हैं क्या? और ये देखो घोड़ा, चलो इसके ऊपर बैठते हैं। और ये भाई चल चल आगे चल, ओ इसने तो मेरे को फेंक दिया, नीचे फेंक दिया, कोई बात नहीं है, ये लगता है कि अभी शायद बच्चा ही है। हाँ दोस्तों ये सारे के सारे बच्चे हैं, भालू तो वैसे काफ़ी बड़े हैं। और ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं भाई, मेरे पीछे मत आओ। और ये दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये बाहर आ गए और कहीं पे चले गए तो भाई इनको ज़ॉम्बी खा जाएंगे रात को। चल पीछे हट जा भाई। और ये दरवाजा, और दोस्तों मैंने इनकी खाने की व्यवस्था कर रखी है। ये देखो पेड़ उगा के रखे हैं, ये ऊपर जाते हैं और पेड़ के पत्ते खा लेते हैं आराम से। वैसे पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, हम घास भी लगाएंगे चारों तरफ, फिर ये आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। वैसे चारों तरफ अभी बाउंड्री करनी बाकी है, फिर ये आराम से खुले में डोल सकते हैं। और ये देखो भाई, ये हमारे वॉच टाउन में भी है ना, ये टावर अभी तक अधूरा है, अभी तक पूरा नहीं बना। और ये क्या बोलते हैं, सड़क भी अधूरी है, चलो इसको बनाते हैं फटाफट से सड़क को। और ये मैं लगाना चालू करता हूँ यहाँ पे, और ये बिल्कुल सड़क हमारी रेडी होने वाली है। और ये खरगोश का बच्चा है क्या? और ये भाई खरगोश का बच्चा भी है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये वाइट वाली लाइन भी पूरी हो गई। और यहाँ पे भाई ढेर सारे एनिमल हमारे पास में रहने के लिए आएंगे अगर हमने ये अच्छी सिटी बना दी तो। वैसे अच्छी सिटी तो बनाएंगे भाई। तो दोस्तों ये काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन रात होने वाली है भाई, हमें चारों तरफ लाइटिंग लगानी पड़ेगी। ये मसाल बोलते हैं ना इसको, ये मसाल लगानी पड़ेगी, वरना हमारी शहर के अंदर ढेर सारे ज़ॉम्बी और वो क्या बोलते हैं उसको, जंगली जानवर भी आ जाएंगे। यार फटाफट से लगा देता हूँ, रात होने से पहले पहले मुझे ये सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रात को काफ़ी खतरा होता है, जंगली जानवर भी और भाई वो दूसरे सिटी के लोग, हाँ दूसरी सिटी के लोग भी आ जाते हैं कई बार तो हमें मारने के लिए। और यहाँ पे इस क्या बोलते हैं इसको, बाड़े के अंदर भी लगा देता हूँ, ताकि हमारे एनिमल आराम से सुरक्षित रहे और हम इनको आसानी से देख पाए भाई। तो दोस्तों यहाँ पे लाइटिंग वगैरह हो चुकी है और अभी थोड़ा बहुत काम और बाकी है बस हमारे घर, क्योंकि यहाँ पे रात के अंदर घर के अंदर अंधेरा नहीं रख सकते ना, इसलिए यहाँ पे भी मसाल लगानी पड़ेगी हमें। वैसे यहाँ पे कोई बिजली नहीं होती है, ना ही कोई लट्टू होता है, यहाँ पे तो केवल मसाल होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, अभी तक मेरे को पता नहीं है। यहाँ पे हम लाइट भी लगा सकते हैं, जनरेटर वगैरह सब चीज़ लगा सकते हैं। और ये देखो भाई, उबलता हुआ लावा, अगर इसके अंदर कोई भी गिरा ना तो उसका तो क्या बोलते हैं, पापड़, पापड़ नहीं बोलेंगे, उसकी राख हो जाएगी भाई, राख जलकर पूरा राख हो जाएगा। और यहाँ पे इसको भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे मेरे को घास घास लगाना है भाई, क्योंकि घास से ही तो शहर अच्छा लगता है ना, चारों तरफ घास तो लगानी पड़ेगी, फिर इनके ऊपर फूल भी आने वाले हैं भाई। हाँ इनके ऊपर फूल वगैरह सब चीज़ लगाएंगे। वैसे घास तो लगकर तैयार हो गई है, बस बीच के अंदर ये खंभा पता नहीं किसने खड़ा कर दिया। ओ भाई ये खंभा थोड़ी है, ये तो मैंने लगाया था, ये तो पेड़ है, लेकिन भाई इतनी जल्दी कैसे बढ़ जाता है भाई ये पेड़, इसकी भी कटिंग करनी पड़ेगी। मैंने तो इतना छोटा छोटा लगाया था और अब देखो भाई कितना बड़ा हो गया है, और ये भी जल्दी बड़ा हो जाएगा। वैसे उसकी कटिंग करनी पड़ेगी, इतना बड़ा भाई, ये तो खंभे से भी ऊपर जा रहा है, ये तो हमारी बिल्डिंगों से भी ऊपर चला जाएगा।
और दोस्तों यहाँ पे शाम हो चुकी है और कुछ ही देर के अंदर रात हो जाएगी और जंगली जानवर हमें मारने के लिए आ जाएंगे हमारी सिटी के अंदर। लेकिन भाई ये देखो, ये जो है ना, ये लाइटिंग हमने कर दी है और हमारी सिटी एकदम जगमगाएगी, बिल्कुल चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। और दोस्तों अभी तो रुको, हमें बहुत सारा काम करना बाकी है, हमें आग भी जलानी पड़ेगी ताकि ज़ॉम्बी और जंगली जानवर हमसे दूर रहे। वैसे ये पता है क्या है, ये रॉकेट है अपने गाँव वालों को बुलाने के लिए। हाँ दोस्तों, गांव वालों को बुलाना भी तो ज़रूरी है ना। और अभी आग कहाँ पे लगाऊँ भाई, आग हमारे घर के पास में तो नहीं लगा सकता मैं। हाँ यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि हमारे पालतू जानवर सुरक्षित रहे। हाँ यहाँ पे लगा देता हूँ। और भाई ये घोड़े वगैरह सब सुरक्षित तभी रहेंगे जब ये ज़ॉम्बियों के हाथ नहीं लगेंगे। वैसे ज़ॉम्बी जा तो नहीं सकते अंदर। और ये खरगोश का बच्चा, भाई हट जा, पकौड़ी निकल जाएगी तेरी। एक यहाँ पे लगा देता हूँ। और तू क्या देख रहा है भाई, अंदर जा, ज़ॉम्बी तेरी गर्दन को पकड़ कर खा जाएगा। और दोस्तों अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। और ये देखो भाई, तीनों खंभे कितने चमक रहे, हमारे शहर को एकदम चमका रहे दीपावली की तरह। मैंने बोला था ना भाई, शहर बनाएंगे तो एकदम खतरनाक वाला बनाएंगे। दोस्तों मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन भाई अभी भी देखो भाई, हमारा इतना सा काम हुआ है फिर भी हमारा शहर कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो ढेर सारी बिल्डिंग्स भी बनाना बाकी है। और वहाँ पे देखो भाई, वहाँ पे चलते ऊपर तो मैं आपको लेके गया ही नहीं। ये देखो भाई, ये भी मैंने ही बनाया है। यहाँ पे ज्वालामुखी और पानी दोनों एक साथ बह रहे हैं। भाई कितनी अच्छी बात है, ये लावा और पानी दोनों एक जगह पे बह रहे हैं। और यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ लगाऊंगा। भाई इसको उठाओ, यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ लालटेन, ताकि हमारा शहर दूर से देखने पर भी अच्छा लगे। हाँ दोस्तों, दूर से ही पता लग जाएगा कि भाई वो है हमारा शहर जहाँ पे रोशनी हो रखी है। हाँ इसलिए यहाँ पे भी रोशनी करना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पे लाइटिंग हो चुकी है, बस हाँ हो चुकी है लाइटिंग। और हम आ चुके हैं वापस नीचे। और भाई ये कौन है, ये ज़ॉम्बी यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको तो मारना पड़ेगा वरना ये मेरे को भी मार देगा और हमारे पूरे के पूरे पालतू जानवरों को भी मार देगा। ओ भाई ये कितना ताकतवर है, मेरे को अपना तिरंगबान निकालना पड़ेगा और इसके खोपड़ा फोड़ना पड़ेगा। अभी रुक बे रुक, यहाँ यहीं पर रुक जा, अबे जा निकल भाई निकल, ये जंगली जानवर और पीछे वो मकड़ी, भाई जहरीली मकड़ी भी है, वो तो मेरे को आसानी से मार देगी। अरे भाई ये क्या है, ये क्या चीज़ है। दोस्तों हमारा शहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है यार, हमें चारों तरफ बाउंड्री करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह हो चुकी है और आखिरकार हमने हमारे पालतू जानवरों को बचा ही लिया। भाई ये तो काफ़ी मासूम है। ये देखो भाई, अभी बाहर निकलो भाई, बाहर निकलो, तुम सब के सब बाहर निकलो और घास वगैरह खा के आओ। भाई ये काफ़ी भूखे हो चुके हैं क्योंकि पेड़ भी काफ़ी ऊपर हो चुके हैं। भाई जाओ ना बाहर, आ जाओ बाहर आ जाओ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर लो भाई। और आपको माइनक्राफ्ट अच्छा लगा या नहीं लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।